सौरभ जोशी। ये टाइप करने के बाद आगे जब मैंने आर टाइप किया तो सबसे पहला ही सजेशन आप देख सकते हो क्या आ गया। मतलब समझ रहे हो, यूट्यूब पे इस बंदे से कुछ लोग परेशान भी हैं लिटरली, और नॉट योर टाइप तो कुछ ज़्यादा ही है। तो देखो ये कोई रोस्टिंग चैनल तो है नहीं, तो ये उम्मीद मत रखना कि मैं आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज करवाऊंगा, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये मेरे दिमाग में कॉर्टिसोल जरूर रिलीज करवा रहे हैं। इसीलिए चलो देखते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जो सौरभ जोशी को ट्रेंडिंग सेक्शन से हटने ही नहीं दे रही। चलो अभी चलो भाई, सौरभ भाई, सौरभ भाई। गाइस आपको कितनी बार बोला है आप मेरे घर तक मत आया करो, फिर मैं आपसे मिल भी लेता हूँ तो आप यूट्यूब पे अनसन वीडियो डालते हो, सौरभ दलाली करता है। सौरभ जोशी की ग्रोथ के पीछे कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे मोदी जी को ही ले लेते हैं क्योंकि जब कुछ ना मिले तो इन्हीं पे इल्जाम डाल दो। तो मोदी जी ने जब लॉकडाउन लगाया था तब सौरभ जोशी एक ऐसा बंदा था जिसको लॉकडाउन से रोजगार मिला है। एक तरीके से कह सकते हो कि लोग खाली बैठे थे तो कुछ भी देख ले रहे थे, पर अब तो लॉकडाउन भी खत्म हो गया है तो लोग अभी भी क्यों इन ब्लॉग से एडिक्टेड हैं। पीयूष ने मैगी खाई फिर भाई मैगी कैसे निकाली, कोई इंसान अपनी जिंदगी में इतना फालतू कैसे हो सकता है जो वो इन वीडियोस को देखे और एंटरटेन भी हो जाए। पर फिर भी इन वीडियोस पे व्यूज तो हैं, वो भी मिलियंस में। दूसरों के घर की इंफॉर्मेशन की आखिर वो लोग कैसे रहते हैं, कैसे अपना दिन गुजारते हैं, भले ही वो इन्फॉर्मेशन हमारे किसी काम की ना हो फिर भी हम उसको जानना चाहते हैं। ये आप कह सकते हो कि ह्यूमंस का एक नेचर ही होता है। और फिर जब हम उसके 10-15 ब्लॉग्स देख लेते हैं तो हम धीरे धीरे उन कैरेक्टर्स के साथ अटैच होने लगते हैं, क्योंकि जब आप किसी की पर्सनल लाइफ को इतनी बारीकी से देखोगे तो ऑब्वियसली आप अपने इमोशंस उसके साथ अटैच कर ही लोगे। और फिर जब हम ऐसे टाइटल्स देखते हैं अपनी होम स्क्रीन पे तो उन्हें स्किप कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी है वो उन पे क्लिक करवा ही देती है। हम जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया उस कैरेक्टर के साथ, और धीरे धीरे ये चीज़ आपके डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाती है। तभी तो इन वीडियोस पे लगभग सेम ही व्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है कि किसी पे 6 मिलियन है और किसी पे 1 मिलियन। और ये चीज़ ब्लॉग्स के साथ ही नहीं होती है, रियलिटी शोज भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं, ये देख के जो डोपामाइन मिलता है वो शायद सिगरेट और अल्कोहल से भी ना मिले। कॉन्ट्रोवर्सीज, ड्रामास किसे पसंद नहीं है, इसीलिए तो सलमान भाई की बिग बॉस से इतनी कमाई हो जाती है कि उन्हें पान मसाला नहीं बेचना पड़ता। पर्सनली मुझे ये रियलिटी शोज और ब्लॉग्स वीडियोस कचड़ा लगती हैं। अगर यूट्यूब एल्गोरिथम मुझे ये 2 वीडियोस रिकमेंड करेगा तो मैं राइट वाली वीडियो पे ही क्लिक करूंगा। जो बंदा अपनी वीडियोस के अंदर एफर्ट्स डाल रहा है, 4-5 दिन सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में लगा रहा है, उसने अलग से एक एडिटर को भी हायर कर रखा है वीडियोस को एडिट करने के लिए, और सबसे बड़ी बात वो मेरी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, तो मैं उसकी वीडियो देखने के बजाय पीयूष ने बर्फ में फ्रूटी डाली ये क्यों देखूंगा। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके पास अनलिमिटेड टाइम है तो वो उस टाइम को ओरियो का बर्थडे सेलिब्रेशन देखने में वेस्ट कर सकते हैं। अगर मुझे ब्लॉग्स देखने ही होंगे तो मैं उस बंदे के ब्लॉग्स देखूंगा जिसने एडिटिंग में थोड़ी मेहनत की होगी, उसे सिनेमैटिक बनाने में एफर्ट्स डाले होंगे, ना कि बस कैमरा उठाया और लग गए अपने घर की बातें बताने में। अब हो सकता है कि मेरी पसंद अलग हो और आपकी पसंद अलग हो, पर ये डेली ब्लॉग्स हैं तो वेस्ट ऑफ टाइम ही। अगर थार तुम्हारी ड्रीम कार है और उसे तुम खरीदना चाहते हो तो ये वीडियोस देखने से तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन सौरभ जोशी एक और थार खरीद लेगा इन छोटे बच्चों के लिए। तो व्लॉग्स देखो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वही टाइम तुम अपने अंदर कोई स्किल डेवलप करने में लगाओगे तो हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हारे पास भी एक थार हो। सौरभ जोशी अपने ब्लॉग्स बनाने में एफर्ट्स तो बिल्कुल भी नहीं डालता है, और शायद ये एक वजह हो सकती है कि लोगों को उसके ब्लॉग्स इतने पसंद आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में होते हैं, कोई टेक्स्ट नहीं, कोई इलस्ट्रेशन नहीं, बिल्कुल सिंपल। पर फिर भी डेली ब्लॉग्स बनाना आसान काम भी नहीं है, यहाँ आप अपनी और अपने घर की प्राइवेसी को एक्सपोज करते हो इंटरनेट पे, और वही प्राइवेसी व्यूअर्स को इंगेज रखती है। तो बस ये तो कुछ रीज़न इस एडिक्शन के पीछे के, इनके अलावा अगर आपको कोई और रीज़न पता है तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।